अगर चाहूं तो ये अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती। आयुर्वेद के पितामह जिन्हें हम पंचकर्म ऋषि भी कहते हैं, आज का ये पूरा दिन उनको समर्पित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य देवलोक रत्न वैद्य पीटी नानाजी जोशी जी की, जिन्होंने वैद्यों के लिए पंचकर्म को इतना 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 सहज कर दिया कि आज हर वैद्य बड़ी ही सहजता से पंचकर्म का प्रयोग कर सकता है। मैं उनके विषय में यदि कुछ अधिक कहता हूँ तो ये शायद मेरी मूढ़ता ही होगी, इसलिए परम श्रद्धेय के विषय में हम सभी को गौरवान्वित करवाने के लिए मैं मंच पर गुरुवर वैद्य रामदास अवार्ड सर को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आएं और नाना जी के विषय में हमें अवगत करवाएं। गुरुवर श्री रामदास अवार्ड सर। जय आयुर्वेद। परमधामवासी आदरणीय पंचकर्मा महर्षि नानाजी के परम पावन स्मृति में मेरा कोटि कोटि नमन। आज का ये दूसरा दिन जो कि संपूर्ण भारतवर्ष के सभी के नानाजी, इनके स्मृति में आज ये दिन होने वाला है, एक अजात शत्रु सदा हसतमुख, एक सात्विक, एक पवित्र, गरीबों के प्रति प्रेम रखने वाले दानशूर और सात्विक आत्मा व्यक्तित्व हमारे सबके नाना जी। हम हमारे जीवन में ऐसे कुछ व्यक्ति से मिलते हैं, देखते हैं और फर्स्ट लुक में हम उनके बन जाते हैं। 1982 में मैंने नाना जी को सबसे पहले हमारे कॉलेज में एक परिसंवाद में मैंने देखा था और उसी दिन मन में आया कि बस इस व्यक्ति के साथ मेरी बन सकती है। और जैसे 86 में पास आउट हुआ तो 87 में मैं इंटर्नशिप के बाद में दुलिया में नाना के पास रहा। नाना का सबसे पहला शिष्य होने का अभिमान मैं मेरे जीवन के आखिरी सांस तक महसूस करूँगा। क्योंकि नाना ने मुझ जैसे एक पत्थर को आज इस स्थान पर लाया है। मैं हमेशा नए बच्चों को कहते रहता हूँ, कल कई बच्चे यहाँ मिले कि जो फर्स्ट ईयर पे है, सेकंड ईयर के हैं, तो तुम सभी भाग्यशाली इसलिए हो कि इतने कम समय में तुमको आयुर्वेद का ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। और हमने हमारे कॉलेज लाइफ में ना तो कुछ पढ़ा था ना तो कुछ सीखा था और उस समय एक बिग जीरो नाना के पास उस समय गया था। सिर्फ 26 दिन का नाना का सहवास मुझे मिला, ना तो कोई गुरु मुझे मिला ना तो कोई कॉलेज में मैंने सीखा, लेकिन उस 26 दिन ने मेरे कई सालों का उत्कर्ष कर दिया। जब मैं नाना के पास था तो 5वें ही दिन दोपहर के समय, वहाँ की ओपीडी काफ़ी रहती थी, 100+ की ओपीडी उस समय रहती थी, और नाना के कुछ काम के लिए बाहर गए और उस समय एक एक्यूट इमरजेंसी, एक्यूट एब्डोमेन पेन वाला रुग्ण वहाँ पर आ गया। तो जैसे उस रुग्ण को उनकी बीवी लेकर आई और वो रुग्ण काफ़ी जोर जोर से आहे भर रहा था तो मैं एकदम डर गया कि अब क्या करें, नाना नहीं है। तो मैंने उनको कहा नाना बाहर गए, आप यहाँ पर बैठ जाओ। तो उसी टेबल पे वो पेशेंट लेट गया। उनको पूछा क्या हुआ है तो उन्होंने कहा कि इनको पिछले 5-6 दिन से सीवियर एब्डोमेन पेन है, उदरशूल है। तो मैंने कहा फिर किसी को दिखाया नहीं क्या? तो उन्होंने कहा 5 दिन पहले से हम एक सर्जन के यहाँ एडमिट थे, भर्ती थे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए हम वहाँ से डिस्चार्ज लेकर आपके पास आए हैं। तो मैं
मैंने मन में सोचा कि एक सर्जन जो नहीं कर सका वो मैं क्या करूँगा यहाँ पे। तो मैंने कहा नाना आने तक रुकते हैं, लेकिन उनकी बीवी ने कहा कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है, तुम कुछ तो भी करो। तो उस समय क्या करना है, पेट में कहाँ दर्द होता है मैंने देखा, तो उनको लेफ्ट सिग्मॉइड रीजन पे अधोदूर में शूल था जो कि मल से रिलेटेड होता है। तो मैंने उनको पूछा इनके मल प्रवृत्ति कब हुई है, तो उन्होंने कहा उनको 4 दिन से मल प्रवृत्ति नहीं हुई है। तो मैंने उनको फिर से कहा कि फिर उस डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा उन्होंने बस्ती दिया था एनिमा, प्रोक्टोक्लिस का एनिमा आता था उस समय, वो दिया लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ है। तो नाना का एक सिंपल श्लोक जो कि नाना ने पहले ही दिन मुझे बताया था कि वात इज इक्वल टू शूल इज इक्वल टू वात, वात इज इक्वल टू बस्ती। तो मैंने साहस करके बस्ती देने का निर्णय लिया बाय गॉड। उसके पहले कभी भी मैंने बस्ती दिया भी नहीं था और देखा भी नहीं था, लेकिन नाना की अब्सेंस में मैंने बाबा का नाम लेके नाना का नाम लेते हुए मैंने पहला बस्ती दे दिया। बस्ती देते वक्त भी यदि कुछ होता है तो नाना क्या कहेंगे यह डर। बस्ती देने के बाद लैट्रिन में उसको बिठाया तो मैं खुद गेट पे खड़ा रहा, उनकी बीवी मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने कहा कुछ होता है, गिर जाता है तो उठाने के लिए चाहिए कुछ तो भी, लेकिन उसने कहा मुझे ठीक लग रहा है तुम जाओ बाहर। बाहर भी गए तो एक भी पेशेंट मैं चेक नहीं कर पाया क्योंकि अंदर से क्या होता है वो देखना था। 5-10 मिनट के बाद उनकी बीवी जो कि पकड़कर उसे लाई थी वो दोनों भी अपने आप वहाँ पे आ गए और पेशेंट ने कहा कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरा दर्द बंद हो गया। यानी एक बस्ती किसी का एक्यूट इमरजेंसी, किसी का तीव्र उदरशूल किस प्रकार से दूर कर सकता है, ये मैंने मेरे लाइफ के उस समय के 5वें दिन में मैंने वहाँ सीखा था। और वही जो आत्मविश्वास है, वही आत्मविश्वास मुझे आज यहाँ लेकर आया है। तो ये कई ऐसे बच्चे हैं कि नाना ने उनको सिखाया है। नाना आयुर्वेद के इतने निस्सीम भक्त थे, यदि हम एलोपैथ का नाम भी निकालते थे या कोई गलती से एलोपैथ भी देते थे तो नाना एक ही बोलते थे कि तुम्हारा तुम्हारे शास्त्र पे विश्वास नहीं है। हमने 2011 में शिरडी में आयुर्वेद पर्व लिया था और उस समय ओपनिंग सेरेमनी के बाद में लंच के दरम्यान जो कि पंचकर्म तज्ञ थे कस्तूरे सर जो कि जामनगर से थे और उनको खाने के बाद में वो चक्कर आके बेहोश गिर गए। तो हमने तुरंत मैं नरेंद्र प्रवीण हम सब लोगों ने उनको ट्रीट किया, 5 मिनट में होश में आ गए। लेकिन कस्तूरे सर मुझे बोले कि एक बार बीपी चेक करते हैं, तो मैंने रिस्क नहीं लेनी थी क्योंकि आगे 2 दिन का सब फंक्शन डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने गाड़ी में डाल के तुरंत साईनाथ हॉस्पिटल जहाँ मैं हर गुरुवार को विजिटिंग रहता हूँ वहाँ जाके कैजुअलिटी में बीपी वगैरह चेक करके फिर से लेके आए, कुछ दवा वगैरह नहीं दी। लेकिन नाना को जब पता चला तो नाना करीबन 4 साल तक नाना ने मुझसे बात नहीं की और ये समझ में आता था कि नाना मुझसे नाराज़ हैं। तो नाना को मैंने एक दो बार मैंने पूछा नाना को मुझसे क्या गलती हुई है, तो नाना ने सिर्फ एक मुझे कहा कि तेरे शास्त्र से विश्वास उड़ गया है। तो फिर से मुझे समझ में नहीं आया, मैंने नाना को पूछा कि ऐसे मैंने क्या गलती की है, तो नाना ने कहा कि उस दिन तू कस्तूरे शास्त्री को एलोपैथ डॉक्टर के पास क्यों लेके गया था। फिर मैंने नाना को समझाया कि नाना हमने सब उनको ट्रीट किया था, वो होश में भी थे लेकिन उन्होंने कहा इसलिए हम वहाँ गए थे लेकिन ट्रीटमेंट कुछ नहीं ली। नाना को फिर 2-3 बार बताने के बाद नाना को एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद में नाना के मेरे साथ के जो रिलेशन थे वो फिर से पहले जैसे हो गए। नाना एक पवित्र आत्मा थी, नाना एक सात्विक व्यक्ति थी, उनके कई ही उदाहरण हैं कि जो यदि हम बताने चलें तो मुझे लगता आज और कल का दिन पूरा दिन इसमें चला जाएगा। एक घटना जो कि अभी हम दिल्ली से हरिद्वार आ रहे थे तो प्रवीण ने नाना की एक कथा जो प्रवीण के भाषा में कथा बोलेंगे तो ये नाना की उसने बताई कि जब नाना के पास कोई भी गरीब पेशेंट आता था तो नाना वो पेशेंट रोने लगा कि नाना जेब से 5-10 रुपए निकाल के उसके जेब में डाल देते थे। यानी फोकट की चिकित्सा भी दे दो, दवा भी दे दो, ऊपर से पैसे भी दे दो, जबकि नाना कोई कुबेर नहीं थे। तो एक पेशेंट जो कि गरीब था नाना ने उनकी ट्रीटमेंट करवाई, नाना ने कोई भी पैसे नहीं लिए उनसे। तो उस पेशेंट को जब राहत मिली वो पूरी तरह से ठीक हुआ तो उस पेशेंट ने एक दिन एक पेड़ा लेकर आ गया और वो पेड़ा प्रवीण के पास दे दिया जबकि प्रवीण ने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी।
और प्रवीण को कहा कि तुम कुछ तो पैसे लेते नहीं, ये पेड़ा तुम खा लो। अब नाना का बेटा प्रवीण, तो प्रवीण ने भी वो पेड़ा उनकी जो एक सिस्टर थी पुरानी उसके हाथ में दे दिया और तू घर जाके खा ले कहा। अब वो सिस्टर जब घर गई और उसने जब वो पेड़ा खाने के लिए खाना शुरू किया तो उसमें एक उनको एक 10 ग्राम की एक तोले की सोने की अंगूठी मिली। उस पेशेंट ने क्या किया था कि ये पैसे वैसे लेंगे नहीं और अंगूठी तो बिल्कुल लेंगे नहीं, तो फिर पेड़ा में डाल के वो अंगूठी दी थी। तो सिस्टर को आश्चर्य लगा, उसने दूसरे दिन प्रवीण को लाकर दी कि वो अंगूठी उसमें निकली। फिर घर आने के बाद प्रवीण ने नाना को कहा कि उस पेशेंट ने ऐसे ऐसे पेड़े में अंगूठी डाल के दी थी और वो पेड़ा या अंगूठी वो सिस्टर ने फिर से लाकर दे दी। तो नाना क्या थे, यानी नाना ये सब ऊपर वाला होता है कि जो बराबर सब रिश्ते जोड़ देता है, बराबर सब क्रम लिख देता है। तो नाना ने कहा कि ये अंगूठी उस सिस्टर को वापस दे दो। प्रवीण ने कहा क्यों, तो नाना ने कहा कि ये उसके नसीब में थी, इसलिए उसके घर जाने के बाद उसे वो मिली, तुझे पहले नहीं मिली है, इसलिए वो अंगूठी उस सिस्टर को वापस दे देना है। और आश्चर्य की बात देखो, प्रवीण ने उस सिस्टर को जो अंगूठी दी वो तो काफ़ी खुश हो गई, और उस सिस्टर की ट्रेजेडी ये थी कि उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ा था। जैसे वो अंगूठी लेकर घर गई उसी दिन उसका हस्बैंड उसे लेने के लिए आ गया और उसे वो लेकर चला गया और उसने कहा कि इसके बाद में मैं अब सर्विस पे नहीं आऊँगी, मैं उसके साथ ही रहूँगी।